आंखों देखी। नमस्कार दोस्तों, आंखों देखी में आपका स्वागत है। आज पूर्णिया में आए हुए हैं, पूर्णिया के महामंत्री जी से आज कुछ पूछते हैं, इसलिए कि आए दिन भाजपा सरकार में जो भी भाजपा सरकार के नेता हैं, महागठबंधन के सरकार जब से बने हुए हैं तब से मुद्दा उठाते रहते हैं, उसी विषय पे आज कुछ बात करते हैं। देखिए, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा जो हकीकत मुद्दा जो जमीनी स्तर पे जो कमी है उस चीज़ को तो आम जनता देख रही है और आम जनता उससे परेशान है। मामला ये है कि सबसे पहली बात तो है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। दूसरी बात है कि जो हमारे किसान मजदूर जो भी हैं उन तक डायरेक्ट उनको बेनिफिट पहुंचना चाहिए। और महागठबंधन की सरकार तो ये कुर्सी कुमार की सरकार है और यहाँ पे सिर्फ कुर्सी और पद की लड़ाई है, जनता की कोई भलाई की बात तो यहाँ करने वाला है नहीं। और भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है वो हम पूरे स्टेट में हमारी सरकार देख रही है। और आप हाल फिलहाल में आपके जिला में आप देखे होंगे कि आपके एसपी साहब जो हैं उन पर खुद विजिलेंस के टीम ने छापा मारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा वो बक्सा नहीं जाएगा, चाहे वो एसपी हो, आईएएस हो, डीएम हो, जो हो वो बक्सा नहीं जाएगा। लेकिन आपके सरकार में तो इस पर छापा कभी नहीं पड़ा है, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब छापा पड़ा है, विजिलेंस के टीम में छापा मारा। ऐसा तो नहीं है कि बिहार में ही छापा पड़ा है, अदर स्टेट भी आप जाके देखिए किस स्टेट में छापा नहीं पड़ा है। तो ये बात नहीं करनी है, वो जो भी टीम गठित होती है वो केंद्र सरकार की तरफ से ही होती है। और ये तो अब कहना गलत है कि इसकी सरकार आई है, महागठबंधन की सरकार आई है तो छापा पड़ा है। हर स्टेट में और जितना भी इंडिया की जनता है, जितना भी लोग हैं छोटे से बड़े, सब हमारे ये हैं, पब्लिक हैं हमारे, जो वो उनको देखना और सोचना उनके बारे में, सबके बारे में बराबर सोच रखना है। ऐसा कोई नहीं है कि ये हमारा वोटर है, ये हमारा कैडर वोटर है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूरी जनता की सोच रखते हैं और उस पूरी जनता का सोचते हैं। अभी कुछ दिन पहले पीएमसीएच में छापामारी किए थे, आपके सरकार में तो उस पर भी छापामारी कभी नहीं किए थे, पीएमसीएच का निरीक्षण कभी नहीं किए थे जो स्वास्थ्य मंत्री थे। लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री महागठबंधन के सरकार में बने तो वो जाके रात के 12 बजे में जाके छापामारी करते हैं और उस हॉस्पिटल का भी कंडीशन ठीक ठाक है। वो देखिए, वो छापामारी नहीं है, वो तो मीडियाबाजी है कि हम 12 बजे रात में उठ के काम कर रहे हैं। हकीकत आप जमीन नहीं, हकीकत देखिए आप आज के डेट में जाके देखिए ना, उस हॉस्पिटल में रात में 12 बजे छापामारी किए तो आज के डेट में क्या सुधार आ गया, आज के डेट में जाके देखिए। ये नहीं कि हम मीडियाबाजी कर लिए और हम टीआरपी अपना उठा लिए मीडिया से, मीडिया भी अपना टीआरपी उठा ली और हो गया काम। काम जमीनी स्तर पे होना चाहिए जो भाजपा की सरकार करती है। उसके बाद भाजपा की सरकार ने अभी गोपालगंज में उपचुनाव हो रहे हैं, उस पर भी महागठबंधन की सरकार में देखिए आरोप प्रत्यारोप तो हर पार्टी का बात है। जनता खुद समझ रही है कि हम जो है किनके हाथों में हमारा देश हमारा राज्य सुरक्षित है। बस हमारा देश और हमारा राज्य जिसके हाथों में सुरक्षित है हम उसको वोट देना चाहते हैं, हम उसको जिताना चाहते हैं। आप गोपालगंज में देख लीजिए 100% जीत है, आप जाकर के सर्वे कर लीजिए। आज के डेट में महागठबंधन के सरकार ने तो अपने जीत का बाजी ठोक रहे हैं। ये बाजी ठोकने के लिए जब आप समय पे आपको पता चलेगा कि बाजी क्या होती है। ये हवाई बयान से कुछ होने को नहीं है, आप हकीकत जमीनी स्तर पे जाके देखिए। महागठबंधन के सरकार ने उसका नेताओं ने भी कहते हैं कि गोपालगंज और मोकामा में जो उपचुनाव हो रहे हैं वो दोनों सीट हम जीत रहे हैं। अरे यहाँ तक है कि उनके जो पार्टी जो वर्कर जाते हैं ना उसको डायरेक्ट जनता जवाब देती है ना। वो जंगल राज रिटर्न की बात जो हमेशा हम लोग बोलते आ रहे हैं वो आपको कुछ महीनों से आपको पता चल रहा होगा, आप मीडिया हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पर आपको किसी का पक्ष नहीं बोलना है इसलिए आप तो
ये हैं, लेकिन आप हकीकत जाके देख लीजिए, जंगल राज रिटर्न टू शुरू हो गया है। अब शाम में देख लीजिए कितना सालों से छीना छोरी का घटना नहीं होता था, आज हमारे पूर्णिया में हाल फिलहाल में देख लीजिए वो गोली मार दिया गया है के नगर साइड में, सर में हेलमेट में लगा उसको, वो जान बच गया उसके कारण। अच्छा, उसके बाद आपके सरकार में भी तो गोली बहुत सारे मारा गया है, बहुत सारा आदमी मरे हैं, मांगलुनंद के सरकार ने मुद्दा उठाया? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले उसका रेटिंग देखिएगा ना, होना तो 100% को रोकना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रुक जाएगा एक बैग, धीरे धीरे उस पर काम होगा। आपका परिचय? मेरा परिचय मोहम्मद शादाब नजर, मैं जिला महामंत्री हूँ भाजपा से। रुक जाइए।